मैं ये कहूँगा कि ऑफ कोर्स ही इज़ माय फेवरेट ऑलवेज, और ग्रीक गॉड लग रहे हैं वो, तो उनसे बहुत ज़्यादा यू नो फिटनेस टिप्स और बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं. और आज मैं बहुत एक्साइटेड था, सबसे पहले मैं इसलिए पहुँच गया यहाँ पर क्योंकि वो मुझे बोल रहे थे कि 7 बजे शुरू हो जाएगा और मैं सबसे पहले पहुँच चुका हूँ यहाँ पर. और यस, मैं ऑल द बेस्ट कहूँगा, और डेफिनेटली वो डांसर के साथ साथ एक्टर भी बहुत ही अमेजिंग है, और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं ये सॉन्ग को लेकर, क्योंकि पूरा कश्मीर में शूट हुआ है और उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया है इसके लिए, और लुक भी बहुत अमेजिंग है. तो लेट्स सी. मेरा बहुत दिल है उनसे डांस टिप्स लेने का, और लेकिन हाँ, हम लोग कभी इस बारे में बात ही नहीं हो पाती, हमारी सिर्फ फिटनेस को लेके बात होती है कि ये खाना है, ये प्रोटीन पीने हैं, या फिर यू नो वर्कआउट ये होना चाहिए, तो वैसा. लेकिन यस, मैंने उनको बोला था कि मैंने मुझे डेफिनेटली उनसे डांस सीखना ही सीखना है. और गाने की बात करें, आपका और सारा गंग का एक गाना था, काफ़ी पॉपुलर हुआ, एंड हाल ही में सारा गंग लॉकअप में भी गई, उनके साथ कोई आने वाले समय में आपको फिर से कोई गाना या फिर एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट को? सारा के साथ मेरे बहुत सारे सॉन्ग्स हो चुके हैं ऑलरेडी, तो अभी लेट्स सी, अभी अभी तो फिलहाल तो कोई भी ऐसा नहीं है, और यस हम बहुत जल्दी ही एक और म्यूज़िक वीडियो करेंगे. कब तक हमें देखने मिलेगा? अभी 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 एक्चुअली प्लान हो रहा है, तो लेट्स सी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ऑन टॉप? मेरा अभी जो रिसेंटली शो चल रहा है वो चल रहा है धर्म योद्धा गरुड़, सोनी सब पे. काफ़ी यूनिक शो है, उसके बारे में बता सकते हो? उसके बारे में वो बहुत ही अमेजिंग शो है. मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक हिस्ट्री में हम लोगों ने वो जो वो पोर्शन अभी तक रिवील ही नहीं हुआ, तो फर्स्ट टाइम गरुड़ जो है उसकी कहानी रिवील हुई है. माइथोलॉजिकल है, और माइथोलॉजिकल है, और काफ़ी काफ़ी डिफिकल्ट है मेरे लिए करने को भी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मैथो कर रहा हूँ. यस, बट कहानी बहुत अच्छी है और लोगों को बहुत पसंद आ रही है. मैं सबको थैंक्स कहूँगा कि थैंक यू सो मच, हर शो की तरह मेरी परफॉर्मेंस को फिर से अप्रिशिएट किया जा रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है तक्षक. और मैं फर्स्ट टाइम माइथो कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम एज अ नेगेटिव लीड कर रहा हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन आई एम वेरी ब्लेस्ड कि सबको बहुत पसंद आ रहा है. And what do you want to say about Feather? उनका भी काफ़ी यूनिक रोल है. यस, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. फैजल ऑल्सो ही इज़ वेरी गुड डांसर, उससे मैं सेट पे टिप्स लेता हूँ डांस की. कुछ आने वाले समय में कोई रियलिटी शो में आप नजर आ सकते हो अपार्ट फ्रॉम दिस शो? अभी रियलिटी शो तो नहीं, लेकिन यस मैं मतलब डिफरेंट शोज़ में डेफिनेटली आपको होऊंगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली मुझे रियलिटी शो से थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए मैं बहुत कम रियलिटी शो करता हूँ. वो बहुत बिंदास है इस चीज़ में, सारा जा सकती है कुछ भी. यस, तो सारा में गट्स है बहुत कि वो बिग बॉस या फिर यू नो लॉकअप पूरा अटेंड कर सकती है. बट या मैं मुझ में बिल्कुल नहीं, मैं बहुत डरता हूँ इन चीज़ों से. फॉर मी इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज मैंने आज तक कभी किया ही नहीं है मैथो, और कॉस्ट्यूम ड्रामा कभी भी नहीं किया, तो बहुत डिफिकल्ट है. पूरा दिन आपको इतना हैवी कॉस्ट्यूम और इतनी शुद्ध हिंदी जो बोलनी पड़ती है, और डायलॉग्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो क्योंकि इतने सालों से मैंने बहुत नॉर्मल शोज़ किए हैं, और सडनली ये मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट है करना. डेफिनेटली यस, डेफिनेटली मैं बहुत ही यू नो मैं एक्साइटेड रहता हूँ म्यूज़िक वीडियोज़ के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, और मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सब लोग सारा के साथ ही मुझे कास्ट करते हैं, तो मैं करूँ क्या. ओके. Terence, new look that you're going to see, number one, and I don't think Terence has been shown this hot. He's really looking very, very hot, and yes, he's done a great job. Mainly it's Sara Anjali who is done a fabulous job. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. ये video itself में achievement है, क्योंकि हम ये video हमने बहुत extreme condition में shoot किया है, जो कि कश्मीर में था, और कश्मीर में भी ये tourist spots पर नहीं, बल्कि reserves में, forest reserves में, an unknown destination, so it was a very challenging job, and Azizi and his entire team has done a fab job. We loved working on this video. हमने बहुत ही मेहनत की in terms of look and feel of the video. जो आप गाना देखोगे तो आपको समझ में आएगा. And it's yes, after a very long time I'm seeing a dance romantic video which is special, and who better than Terence to put up this video. Thank you. Thank you. मुझे लगता है
जाता है और इसमें वो लीड कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कास्टिंग भी बहुत अच्छी है, सिनेमाटोग्राफी भी बहुत अच्छी है और गीत भी बहुत अच्छा है। तो निश्चित रूप से सिद्धार्थ कश्यप इसके म्यूजिक को बधाई और ये सुपर डुपर हिट होगा, निश्चित रूप से मेरी तरफ से बधाई। मुझे बहुत खुशी हुई जब अजीज़ और सनोबर ने मुझे अप्रोच किया ये गाने के लिए। इस पाए सिद्धार्थ कश्यप हु ओन्स द म्यूज़िक लेबल, ही इज़ द म्यूज़िक कंपोज़र। जो गाने के अल्फाज है, जो सिंगर्स है सुमेधा, इरफान एंड राजा, दे हैव जस्ट डन अ फैंटास्टिक जॉब। तो जब मैंने गाना सुना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सॉन्ग। जब भी कोई मुझे म्यूज़िक वीडियो के लिए अप्रोच करता है, सर इफ द सॉन्ग इज़ ग्रेट आई विल गो फुल आउट। मैंने गाना सुना है, सर दिस इज़ अ हिट सॉन्ग, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। और जब सनोबर ने मुझे एक कॉन्सेप्ट बताया, इट वॉज जस्ट सो beautiful, I said I have to say yes. And then Aziz said we are shooting in Kashmir. I said this cannot be better than that, because last year मैं गया था कश्मीर, but I had gone to all the touristy places, but उन्होंने एक ऐसी खूबसूरत जगह ली अनंतनाग, which is a little away from श्रीनगर, और जो शूटिंग हमने करी वहाँ पर, it's so beautiful. I think एक ज़माना हुआ करता था 70s और 80s में, जब हम देखते थे कश्मीर was so explored, but afterwards after the 80s 90s it went down for various reasons, political reasons, and now I feel everybody after seeing our song will fall in love with Kashmir. मैं बहुत खुश हूँ as an actor, you know, you see me as a choreographer, judge, but एक actor के किरदार में कई बार मैंने ऐसे music videos किए हैं, but this is one look where Aziz the director was very clear कि Terence, I have seen you as a rock star, because हमारी दोस्ती 20 साल पहले जाती है, and I want that same rock star look, जबकि बाल लंबे थे and all that, so he was very clear कि इसका एक vision है, and I'm so happy उसका vision successful हुआ। जब मैंने भी गाना देखा, मैं wow, it looks really good, it looks amazing, और मेरे co-star जो है सारा, वो बहुत ही अच्छी डांसर है, और हाल ही में हम मिले थे, and then you know Aziz cast her, so it was just perfect. कभी कभी ना बिना ज़्यादा सोचे सब चीज़ें अपने आप आ जाती है, there's something called serendipity, that's what happened to this song. मेहरबान is just love. गाना इतना मधुर है कि यू नो यू जस्ट गेट ट्रांसपोर्टेड, यू जस्ट फील लाइक लिसनिंग टू दिस सॉन्ग। अगर आप ये यू नो ईयरपॉड्स जाके सुने, या इफ़ यू इन द कार एंड इफ़ यू ट्रैवलिंग, इट इज़ सच अ सूदिंग सॉन्ग, इट काम्स यू डाउन। एक गाना जो आपको ऑलवेज काम करता है, जनरली आप गाने जो अभी हम सुन रहे हैं वो हब बेवफाई के हैं, दिल किसी ने तोड़ा है, बट आई थिंक इज सच अ रिफ्रेशिंग सॉन्ग, जहाँ पे एक स्टोरी भी इतनी खूबसूरत है, जहाँ पे एक लड़का जो मैं प्ले कर रहा हूँ जिमी, जिसकी गर्लफ्रेंड यू नो आत्महत्या कर लेती है फॉर सम रीज़न, और वो डिप्रेशन में चला जाता है, फिर एक दूसरी लड़की उसको यू नो फिर से वो अरमान जगा देती है, एंड शी ब्रिंग्स हिम बैक यू नो इनटू हिज फील्ड। सो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, बट समटाइम्स यू टू लेट गो टू रियली फॉर लव टू फाइंड यू, दैट्स द ब्यूटीफुल कैच लाइन ऑफ मेहरबान। मेहरबान का कैच लाइन है, यू हैव टू लेट गो इन लव सो दैट लव कैन फाइंड यू, एंड दैट्स द यू नो द एसेंस ऑफ ऑल, यू नो व्हेन यू चेस सर्टन थिंग्स इट डजंट हैपन, बट व्हेन यू लेट गो then the beauty of love just finds you. So the essence of the song, जो shoot किया गया है, जो कहानी का मुद्दा है, सब इतना प्यारा है कि I just feel very confident about the song. या बट वो डांस जो रील्स पे होता है वो बहुत अलग होता है, वो 15 सेकंड के लिए होता है, यहाँ पर काफ़ी हद तक यू नो गाने को समझ, गाने की जो समझ है, अल्फाज है, जो बोल है, उसको ध्यान में रखना पड़ता है, एंड इट्स ऑल्सो आई वॉज विथ सारा, आई वॉज डूइंग मोर ऑफ यू नो बॉल रूम, यू नो नॉट बॉल रूम बट रादर कपल डांसिंग, और वहाँ पर भी थोड़ा कंटेम्प्रेरी ज़्यादा लिफ्ट थे। बहुत मज़े की बात थी, कश्मीर का एक ब्रिज था जो एक टूटा फूटा हुआ था, और अजीज़ ने कहा कि मुझे बर्फ में चाहिए और मुझे झील के पास चाहिए, और वो जो डांस है वो इतना डिफिकल्ट है, पार्टनर वर्क है, और वो ब्रिज हिल रहा है, और एक तरफ अगर आप देखोगे तो इफ़ यू जूम इन, एक तरफ वो जो ब्रिज का जो बोलते ना रेलिंग वो है ही नहीं। तो फॉर द कैमरा का इट वॉज़ वेरी गुड बिकॉज इसको क्लियर एक्सेस मिल गया, लेकिन हमारी आई वुड से फटी हुई थी बिकॉज अगर मैंने एक भूल कर ली तो वी आर डाउन इन द रिवर, यू नो, एंड वो पानी बहुत बर्फीला और सर्द भी काफ़ी थी, सो दे काफ़ी फनी सिचुएशंस थे, बट वेन यू सी दिस सॉन्ग इट लेट्स लुक स्टनिंग एंड सरियल। यू नो हम
मज़े की बात यह है कि जब जब भी हम बर्फीले जगह पे जाते हैं तो हीरोइन साड़ी में होती है, पतली सी साड़ी, एंड यू नो शी इज़ बेयर बॉडी मोस्ट ऑफ टाइम, इन द सेंस दैट शी इज शोइंग हर बॉडी मोर इन अ साड़ी और इन अ ड्रेस, अ स्लिंकी ड्रेस. और हीरो जो होता है वो कपड़े डाले, जैकेट डाले, ग्लव्स डाले. बट इस बारी अजीज़ ने कहा था कि नहीं, मैं आपको भी आपकी बॉडी दिखानी पड़ेगी. सो वी आई वॉज द हीरो वॉज इक्वली बेयर बॉडी देन द हीरोइन. सो इट वॉज एन इक्वल मैच. और हम कांप रहे थे एज वी वर शूटिंग. इट वॉज रियली डिफिकल्ट समटाइम्स, यू नो, वो नाक से पानी निकल रहा था बिकॉज एंड आईज, हम रो भी रहे थे, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बिकॉज जब इतनी ठंड होती है ना तो रोना चालू होता है. तो रोमांटिक सीन कर रहे हैं लेकिन आंसू निकल रहे हैं. सो इट वॉज क्वाइट एन एक्सपीरियंस. I don't know. अभी तो मेरी जर्नी शुरू हुई है सिंगिंग और एक्टिंग में. डांसिंग मैं एटलीस्ट 20 ईयर्स से कर रहा हूँ, लेकिन उम्मीद रखता हूँ कि सिंगिंग अभी शुरू हुआ है. तो आई वॉन्ट टू काइंड ऑफ यू नो रिलीज टू मोर सॉन्ग्स, डांस नंबर्स होपफुली, एक अलग जॉनर ऑफ म्यूजिक में, यू नो. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इन एक्टिंग आई एम लुकिंग फॉर गुड ऑफर्स, गुड रोल्स. इफ देर इज समबडी आउट देयर हू कैन कास्ट मी इन अ मीनिंगफुल रोल, डजंट मैटर हाउ बिग और स्मॉल, बट मीनिंगफुल रोल जो डायरेक्टर लगता है कि मैं ये रोल कर सकूं, दैट विल बी ग्रेट. यस सर. क्योंकि आप कोरियोग्राफर और काफी अच्छे और फेमस हैं, लेकिन जब स्क्रीन के सामने ऐसे एक्टर के तौर पे आना पड़ता है, तो क्या डायरेक्टर की अपनी पड़ती डांस में इसके लिए कि आप ठीक है कि मैं ऐसे से डांस कर रहा हूं? नो, आई थिंक यू हैव टू सरेंडर टू द डायरेक्टर. एंड अगर आप विश्वास नहीं कर सकते अपने डायरेक्टर को, देन डोंट डू द फिल्म और डोंट डू द रोल, बिकॉज यू हैव टू हैव दैट ट्रस्ट इन द डायरेक्टर. जो भी मैंने गाने किए हैं या छोटे छोटे फिल्म किए हैं, शॉर्ट फिल्म भी, आई हैव ऑलवेज आस्क्ड हैव दैट फेथ इन द डायरेक्टर. क्योंकि अगर वो फेथ नहीं है स्क्रिप्ट में और डायरेक्टर में, देन यू नो यू डायरेक्टिंग योर सेल्फ, इट्स क्रेजी. आई मीन बिकॉज आई हैव बीन पर्दे के पीछे रहा हूँ कई सालों से, तो मुझे सेंस है कि ये नहीं चलेगा. तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि शायद मुझे थोड़ा कम करना चाहिए, बिकॉज यू नो इट विल नॉट वर्क, और शायद ये एक्सप्रेशन गलत है. बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स द कॉल ऑफ द डायरेक्टर. द डायरेक्टर सेज नहीं, मुझे आपका थोड़ा लाउड एक्सप्रेशन चाहिए, यू हैव टू डू इट, बिकॉज इट्स हिज विजन एट द एंड ऑफ द डे. एंड एज एन एक्टर हमें सबमिट करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो समटाइम्स यू हैव टू बी हम्बल इनफ, लाइक इवन दो आई नो मेनी थिंग्स समटाइम्स, आई शुड यूज दैट फॉर माई बेनिफिट टू नो की टू हेल्प द डायरेक्टर, नॉट टू गो अगेंस्ट द डायरेक्टर. कई सारी चीज़ें हुई हैं, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल एक शॉट है जहाँ पे सारा का कॉफ़ी पी रही है और जो फ्रॉथ है वो उसके मुंह पे था. एवरी टाइम आई वॉज गोइंग टू क्लीन द फ्रॉथ, यू कैन सी इन सम शॉट्स, वो फ्रॉथ जो नाक पे था वो ड्रिप होके कॉफ़ी में गिर रहा था. सो यू नो वी आई हैड टू कॉन्स्टेंटली गो एंड यू नो पुट इट बैक ऑन हर नोज. सो देयर वर दीज वेरी फनी मोमेंट्स. एक रोमांटिक सीन था बर्फ में जहाँ पे हम एक दूसरे को देख रहे हैं इंटेंसिटी के साथ, देखते देखते पानी से नाक से पानी निकल रहा है. सो इट वॉज वेरी एम्बेरेसिंग कि इतने रोमांटिक शॉट्स में. तो समटाइम्स आई वंडर हाउ डिड द यू नो यस्टर्स के एक्टर्स जो करते थे बर्फीले जगहों पे, कैसे वो हैंडल करते थे. बिकॉज देयर आर सम वेरी रियलिस्टिक इश्यूज जो होते हैं, आंखों से पानी आने निकला है, नॉट बिकॉज यू आर सैड बट जस्ट इट्स सो कोल्ड दैट यू नो नाक पानी बह रहा है, आंखों से पानी बह रहा है. सो देयर इज वेरी फनी सिचुएशन दैट हैपेंड. एंड मेनी टाइम्स जो सारा है शी इज ऑस्ट्रेलियन, तो उसको कई बार कुछ चीज़ों का पता नहीं था, तो वी शुड जस्ट प्ले अ प्रैंक. अजीज़ जो है, नॉट मी सो मच, बट अजीज़ इज़ अ प्रैंकस्टर जो डायरेक्टर है, हर वक्त उसको कुछ ना कुछ मस्ती सूझे रहता है. तो ही वॉज कॉन्स्टेंटली गाइडिंग हर रॉन्ग. सो ही वॉज सेइंग हर, अच्छा ये ना गाने पर ना, दिस इज द इमोशन, एंड शी इज़ वेरी इनोसेंट, शी इज लाइक ओके ओके ओके. देन आई वॉज सीइंग हर रिएक्शन, वॉज लाइक सारा हू टोल्ड यू दिस, ही सेइंग ही. सो कई बार यू नो फॉर जस्ट फॉर फन, जस्ट टू टीज हर, वी काइंड ऑफ जस्ट कन्फ्यूज हर, बट शी वॉज लवली, शी वॉज वेरी स्पॉटिंग. एट द एंड ऑफ द डे शी फिगर्ड आउट दैट यू नो आई हैव टू काइंड ऑफ यू नो आस्क टू थ्री पीपल टू बी श्योर कि क्या सर बोल रहे हैं सही है कि नहीं. बट there was some really cool, I think this was my most बहुत सारे shots थे दो दिन में. generally this a song like this requires 5 days, हमने दो दिन में उड़ा दिए. and I have to say कि बहुत stress था in terms of getting everything done, but the beauty is that the set का जो माहौल था बहुत friendly था, हम इतने हंस रहे थे, at the same time getting the work done, so it was a great experience for me. So आप काफी बड़े dancer हुए, उसके अलावा
I'll prefer doing songs that are story, जिसमें story है. जैसे मेरा पहला जो music video था was मैं अकेला एक single parent हूँ, single बाप हूँ और मेरी बच्ची मेरे अरमान पूरे करती हैं. So it was a very beautiful story. वहाँ पर एक story telling होनी चाहिए, acting का scope होना चाहिए, then it makes more sense for me to be in a video. So I prefer कि 3 या 4 minutes में आप एक पूरी कहानी दिखा दें ताकि वो स्कोप मिल जाए एज एन एक्टर ऑल्सो फॉर मी टू कैन शो माई टैलेंट. एंड आई जस्ट इन्जॉय डूइंग दिस बिकॉज डांसिंग तो आता ही है एंड एक्टिंग इज समथिंग दैट आई हैव डन मेनी इयर्स इन माई स्कूल कॉलेज और कुछ हद तक मैंने किया है बट आई डिडंट फॉलो इट बिकॉज डांसिंग वॉज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी बट आई एम वेरी हैप्पी टू गेट बैक टू एक्टिंग एंड वेरी हैप्पी टू बी हियर. हमारा जो गाना है मेहरबान वो कल रिलीज़ हो रहा है 8 तारीख को एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, विजुअली बहुत ब्यूटीफुल, ऑडियो वाइज भी बहुत सुकून मिलेगा देखने के लिए एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन दिस सॉन्ग एंड ऑल्दो आई से सो माई सेल्फ माई डायरेक्टर कीप्स सेइंग मी दिस इज़ योर यू नेवर लुक्ड एज गुड एज इन दिस सॉन्ग सो आई एम होपिंग पीपल विल लाइक दिस न्यू लुक ऑफ माइन एंड बस मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और उम्मीद यही है कि आप सबको पसंद आए. थैंक यू. थैंक यू. He's always looked gorgeous. He's always. Don't you know he's a Jesus Christ? Look at him, yaar. Have you ever seen? Look at that. It is a Jesus Christ who sins. I have to say, Father, forgive me for I have sinned. All right. I really want to wish him all the very best. I think Terry sir has been amazing at everything that he does. So I am really hoping. Yahan pe bhi haan ji. Terry sir has been amazing at what he does. So I really hope this sort of sees the stars and sees everything in abundance as well. So yeah. फ्रेंड्स फॉर यार, अगर हम दोस्त कहते हैं दूसरे को, मेरा मानना है दोस्ती वही होती है कि आप अपने दोस्त के लिए खड़े रहें एंड वेर एवर वट एवर दे डू आई विल ऑलवेज बी दैट फॉर माई फ्रेंड्स फॉर पीपल हु बिन दैट. टेरी सर इज बिन विद मी थ्रू सो मेनी थिंग्स सो आई विल ऑलवेज बी दैट नो मैटर वॉट. सो या आई स्टिल हैवंट वॉच द वीडियो. नो आई हैवंट. एब्सोल्युटली. हाँ जी, मेरे मित्र उसमें हर साल रहते हैं. रोहित सर, मैं उनको उनके लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ हर साल उनको देखने के लिए. आई थिंक ही इज फैंटास्टिक विद व्हाट ही डज. बट इस साल निशांत इज देयर, तुषार इज देयर, हु एल्स इज देयर, मैंने सुना है श्रुति इज देयर. तो आई थिंक अ कपल ऑफ फ्रेंड्स अगेन दिस ईयर. सो आई एम होपिंग दैट दिस वन इज गोना बी अ बैंगर एज वेल. आई कॉन्ट गिव यू एनी डिटेल्स ऑन इट. मैं मर जाऊंगा, मुझे मार दिया जाएगा. लेकिन जो भी है, देयर आर आई एम होपिंग एंड प्रेइंग गुड थिंग्स कमिंग आवर वे. सो या व्हेन द टाइम इज राइट आई डेफिनेटली बी एबल टू शेयर मोर विद यू गाइस. थैंक यू. यस मैम, वी कैन डू द पिक्चर्स. और कुछ? थैंक यू. पहले मैंने लिखा था और ये गाना मैंने बहुत पहले लिखा था और सिद्धार्थ जी ने बोला था कि इसको हम बहुत बेहतरीन वे में इसको हम पोर्ट्रेट करेंगे और इसको रिलीज़ करेंगे. तो उन्होंने अपना वादा निभाया और उन्होंने जिस वादियों में मेरे अल्फाजों को बिखेरा है और जिनकी आवाज़ों में उनको रिकॉर्ड किया है, राजा हसन साहब और इरफान साहब और एक मैडम हैं उनका जी. लोग, ये तो लोगों के ऊपर है कि लोग कितना पसंद कर रहे हैं. और ये गाना मैंने पुष्पा के पहले लिखा था. जी आइए. हाँ, तो ये गाना मैंने पुष्पा से पहले लिखा था और सिद्धार्थ जी ने मुझसे वादा किया था कि इस गाने को एक अच्छे वे में इसको रिलीज़ करेंगे.
और उन्होंने अपना वादा निभाया और मुझे सुनने में आया कि अजीज भाई बहुत अच्छे से उनको डाइट किया है और मुझे उम्मीद करता हूँ जी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप एक बेहतरीन सॉन्ग साबित हो और बहुत हिट हो। थैंक यू। ये बहुत ही अलग जोन का है, उनके जो प्रीवियस गाने से बहुत ही अलग है। एंड टेरेंस हैड डन एन अमेजिंग जॉब। वी वांटेड समबडी हु लुक लाइक अ रॉक स्टार एंड आई हैव ऑलवेज सीन टेरेंस लाइक दैट, सो वी गेव हिम दैट लुक व्हिच आई थिंक ही इज लुकिंग फैबुलस इन द सॉन्ग एंड ही हैज डन वंडर्स टू द एंटायर वीडियो एंड यू गाइस आर गोना सी इट वेरी सून नाउ। एक्चुअली From the time I've known Terence, I think he has always been an actor. Well, so by default, he was getting into choreography. So he used to be a model. He has done acting and all before. So I think it was piece of cake for him. So and it was very easy shooting. He came up with the right emotions and the way he had danced and performed with Sara. It's fantastic. He had done complete justice to Siddharth Kashyap's track. So yeah, shooting in Kashmir was actually a very big challenge for the entire crew, for the actors and all, because I wanted to shoot this song in locations that have never been seen before. So there is this place in Kashmir, it's I think about 4.5-5 hours drive right into the mountains where nobody usually goes. So we went on top and it's a snow-clad mountain, and I wanted Terence to do the contemporary style of dancing in that especially, and it was really cold, all of us were freezing, but they did it wonderfully. And then we went down below from there aur wahan par ek bridge ke upar humko shoot karna tha, which was very unstable, so it was actually a very dangerous thing, but Terence being Terence, he did it and I'm really happy, and you will see the result right now. So when I heard this track from Siddharth, it was very different from all his previous tracks, from all his usual, the filmy kind of songs and all. This was a very, very different contemporary style. There was a lot of, the whole entire genre was very different. And for a song like this, I knew that I don't think so there was anybody else better than Terence to do this part, the kind of music that was there. And it was only he who could have done justice. Luckily, he heard the song and he just said, let's go ahead and do it. So we're very lucky for that. मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है। आई विश आई कुड डांस, तो मैं भी खुद भी डांस कर लेता इस पर। बट या वी हैड अ ग्रेट टाइम एंड आई एम श्योर पीपल आर गोना लव दिस सॉन्ग, दे गोना लव द वीडियो, दे गोना लव टेरेंस, दे गोना लव सिद्धार्थ म्यूजिक एंड आई एम श्योर इट्स गोना बी अ क्रेज। आई होप ऑल ऑफ यू गाइज ऑल्सो लाइक इट, आई एम श्योर यू ऑल विल। बट या say is God has been kind finally after so many years. Yeah, so back to back all the songs are doing very well. We are very happy, the entire team is very happy, and we have a lot more songs coming up. Yeah, but same way, we are going to do a lot of hard work into our songs, and we don't just look this as a song, we see all these as mini films. So I guess people are liking it a lot, and I'm really thankful to God for that. Right. Thank you. dancing or featured you in a video like that. So I always wanted to do something like that. But then of course Siddharth, Aziz, they all had a vision towards this. And
में शोकेस किया है एंड आप सब देखेंगे एंड आई एम श्योर सबको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो एसके म्यूजिक वर्क दो इज़ अ म्यूजिक कंपनी मगर आई वुड लाइक टू से वी ऑपरेट लाइक अ बुटीक लेबल जहाँ पर हम यूनिक वॉइसेस, यूनिक कॉन्सेप्ट्स, यूनिक टैलेंट सर्च करते रहते और हर टाइम एक कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते चाहे कोई भी तरीके से वीडियो के दौर से या फिर ऑडियो के दौर से। तो आप देखोगे हमारे हर एक गाने एक दूसरे से बहुत अलग है, विजुअल्स भी बहुत अलग है। इरफान राजा हैं, इसे रकीब भाई ने बहुत अच्छा लिखा है एंड द बेस्ट पार्ट इज व्हेन टेरेंस हर्ड द सॉन्ग सो ही लाइक्ड इट सो मच देन ही वांटेड कि इसके अंदर कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं जहाँ पे हम वो कंटेम्प्रेरी डांस को भी विद स्टोरी के साथ में करें। तो अजीज़ केम अप विद अ वेरी नाइस थॉट स्टोरी वो करने के लिए एंड हमने कश्मीर में शूट किया एंड आई होप अभी आप लोग वीडियो देखेंगे तो यू गोना लाइक इट और लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। जी ही इज तो इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस क्योंकि ही इज लुकिंग फैब और वीडियो में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसे भी अच्छे लगते हैं पर एंड सारा इज डन वेरी वेल जो मूव्स है डांस के एंड उसके साथ में इट इज़ नॉट अ डांस वीडियो एक कहानी है और जिस तरीके से अजीज़ ने इसे बनाया है एक फुल स्टोरी टेलिंग है। सो आई थिंक इसके अंदर में ये जब वीडियो लोग देखेंगे तो दे विल सी द अदर पार्ट ऑफ टेरेंस जो कि खुद बहुत अच्छे एक्टर हैं क्योंकि हमेशा इन्हें कोरियोग्राफर डांसर वैसे देखे जाते हैं बट इज़ अ वेरी सुपर टैलेंटेड आर्टिस्ट और इस वीडियो के अंदर में जो कहानी है वो कहानी भी इनके इर्द गिर्द भी घूमती है एंड इज एक्टेड सो वेल। और हम हमेशा सोचते हैं एसके म्यूजिक वर्क्स में कि कोई चीज़ ऐसी बनाए जिसे बड़े पर्दे पे देखें तो अच्छा लगे, अगर बड़े पे अच्छा लग रहा है तो छोटी मोबाइल स्क्रीन पे तो अच्छा ही दिखने वाला है। या ये गाना रकीब भाई के साथ में हमने 2017 में ये गाना हमने किया था एंड उसको अनप्लग्ड जैसा हमने कुछ बनाया था जब हमने इस चैनल शुरू की थी तो अब रकीब भाई और हमने इस थॉट के ऊपर में डिस्कस किया था पर इसके बीच में वो जो कवाली वाला पार्ट है जो आप सुनेंगे देखेंगे सो दैट एलिमेंट वाज मिसिंग। सो हम जब अभी वापस करने बैठे तब रकीब भाई बीच में पुष्पा के लिए काफ़ी बिजी थे, फिर उसके बाद वो मैंने उन्हें ट्यून भेजी एंड ही केम अप विद अ नाइस हुक लाइन और उसी ने इस गाने को ओवरऑल डायमेंशन इसका चेंज किया। थैंक यू। मैं तो चाहता हूँ कि हर बार की तरह ये गाना भी अच्छा रहे और कोशिश यही है, बस इस बार थोड़ा सा चेंज ये देखने को मिला है बिकॉज मुझे मैं टू बी ऑनेस्ट गाना हमारा काम है लेकिन इस बार गाने से ज़्यादा वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करा बिकॉज वी वर हम शुरू से साथ में हैं तो एडिट वगैरह पे देखना और मेरा भाई जो हॉलीवुड लुक दे रहा है वो कमाल है और अजीज़ भाई ने इतनी तगड़ी मेहनत की है और हम लोग सब यही ऑफिस में भी यही बात कर रहे थे कि इस बार का ये जो वीडियो है ये मुझे नहीं पता कि हमारी सिंगिंग कितनी लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, म्यूज़िक इज़ गुड बट इस बार वीडियो लोगों को लुभाने वाला है बिकॉज ऑफ टैलेंट्स एंड इंशाल्लाह गाना भी आप लोगों को पसंद आए। हम लोग हर साल कोशिश करते हैं, हर बार कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए। तो मैं मेरा ही पार्ट गा देता हूँ बिकॉज दो लोग आए नहीं हैं या उनका आप गा दे नहीं आप सबके पार्ट गा सकते। सो मेहरबानी तेरी तू फसाना मेरा तू कहानी मेरी मेहरबान मेहरबान
अभी मेरा पार्ट है। ये सिमटी सिमटी वफा से लिपटी तेरी नजर की जो प्यास है, गिरफ्तार रफ्तार दिले गिरफ्तार हुआ है दिल का जो हाल है तेरे पास है। वो कलम इन्हीं के पास थी और उसी कलम से ये खूबसूरत शब्द जो हैं वो छन के बाहर आए हैं। हम लोग खुशनसीब हैं, इनफैक्ट मैं अपने लिए कहूँगा मैं बहुत खुशनसीब हूँ टेरेंस और रकीब भाई के साथ, भाई के साथ मैं सालों से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे हर बार ऐसा लगता है मेरे घर में काम हो रहा है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। रकीब भाई ने जब ये जो पहले तो अपने गाना लिख चुके थे वो हमारा थॉट प्रोसेस था, पर बाद में जब वीडियो की कहानी बनी तो फिर वीडियो की कहानी के हिसाब से हमने इसमें ये कवाली वाला पार्ट इंसर्ट किया। सो जब इन्हें मैंने कहानी सुनाई तो रात को मुझे फ़ोन करके सिर्फ इन्होंने कहा कि एक शब्द मेरे दिमाग में आ रहा है दिले गिरफ्तार, तो मतलब आपका बस ये शब्द है तो अब भी इतना यूनिक वर्ड है तो मतलब आप इससे डेवलप करके और बना दीजिए। Grateful to be cast alongside Terrence. He's such a great human being, but also so talented and known worldwide. Like my friends back home are like, you're doing with Terrence Lewis? I'm like, yeah. But he's just such a great human being, and the whole experience was amazing. And to do contemporary dance with him, I was like, wow, like what a platform. It's like, I'm just really grateful to be a part of this. So thank you. Terrence, you know, I have to say about Sarah, we finally have a girl who looks good, who acts good, and who dances like a dream. It's so easy. Sometimes you find the very beautiful girl to be on screen. She's got great, you know, features. She's tall, beautiful, everything. And then sometimes you get somebody who's superbly acting, great actor, but then you can't dance. This is a rare combination. Looks good, acts well, and can dance well. So well done. सिद्धार्थ कश्यप जी ने, और मैंने उसमें वोकल सुपरवाइज़र का काम किया है। वोकल सुपरवाइज़र जो जो अपने जो सिंगर्स हैं जैसे राजा हसन जी और मोहम्मद इरफान और अपने सुमेधा, तो उनकी डबिंग करवाना, तो ये डबिंग करते हुए बहुत मज़ा आया और मैं इस गाने को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये गाना बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब है। एंड दिस सॉन्ग इज़ गोना रॉक एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग कंपोज बाय सिद्धार्थ कश्यप जी। थैंक यू सो मच। Aziz and I go back almost about 15-20 years. I've seen a lot of his work, but this is one of those extremely rare ones where after looking at the teaser, I am very keen, very excited to see the unveiling of the actual video. I think no one could have got the best out of what's seen in the teaser out of Terrence, and the landscaping and the colors, the way Aziz has done. So I think he's done a phenomenal job on the video. As far as Siddharth ji is concerned, I loved his number, which was unveiled about a month back, called number? The first one, Siddharth's number. No, before that. Jana hai to ja, yeah. Jana hai to ja. That one, beautiful song. That's when I got exposed to his kind of music for the first time, and since then I've been in love with him. This one is very exciting, very tantalizingly teasing. Looking forward to a lot of fun. Thank you. मैं जैसे ही अंदर एंटर हुई, दो आई वॉज लेट, आई एम रियली सॉरी, बट थैंक गॉड गाना चल रहा था और आई डू नॉट मिस एनीथिंग। द इंटायर सॉन्ग वॉज लुकिंग लाइक अ फ्यूचर फिल्म,
super. So yeah. Nicely shot. And Terence is, we all know that how amazing a dancer he is. And unko direct unhone itne beautifully kiya hai by catching every movement so nicely. And the beauty jo shoot ki hai. Matlab kamal ki aapne. Yeah, so proud. It's lovely. Aapko kuch kehna hai? Main keh chuka hoon. You second my thought? Terence is an actor. मैंने to be very honest उनको पहली बार act करते हुए देखा और उन्होंने बहुत ही brilliantly अपने आप को लेकर आए हैं वो and with this song उन्होंने actually बताया है कि ये super 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 multi talented. But you know what? Not many people know this. Terence is always an actor. वो बाद में कभी और होता बना. He was always a model. He has done a lot of music videos. तभी वो prove भी हो गया कि वो multi talented है. I know him for 20 years now. Hamesha, I was after Terence that you go and do a video. Yeah. Finally, aisa ek gaana mila hum log SK ke paas that only Terence could have done justice. And I wanted to show Terence like a real rock star. He used to be like this 20 years back from the time I knew him. Aur Aliza Khan ne bhi kaam kiya hai, matlab kamal kamal kar diya hai. To sabka overall, hum bahut purane dost hain. Yeah, sabka overall bahut amazing aaya. Happy birthday! Thank you, thank you. Terence. Terence. Yes. It's a fab song, or as a audience point of view, it is amazing. Or visually, हम लोगों ने देखा ही है कि बहुत interesting गा रहा है Terence जी हैं, Terence हैं, so obviously it's a very nice song. आई थिंक 15 million हुआ है ना अभी सो 15 million क्रॉस कर गया है आप सभी के प्यार की वजह से सो प्लीज़ छम्मो को भी देखिए और मेहरबा को भी देखिए एस के म्यूज़िक वर्क को सब्सक्राइब कीजिए 100% बहुत जल्द हम लोग फिर से एक गाना लेकर आ रहे हैं या थैंक यू बिकॉज म्यूजिक वीडियोज जनरली यूट्यूब या टी वी पर देखते हैं लेकिन सिद्धार्थ सर का दिल बहुत बड़ा है कि उन्होंने ये प्रीमियर बुक किया एंड इट फील्स लाइक यू नो इट्स जस्ट सरियल बिकॉज वो छोटे फ़ोन पर देखना और टी वी पर देखना और एक बड़े पर्दे पर देखना सिल्वर स्क्रीन पर देखना है बहुत अलग बात होती है आई फील ओवरवेल्म्ड और आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीबॉडी आई वांट टू थैंक अजीज बहुत ही हॉट लग रहे हैं उनकी केमिस्ट्री भी बहुत अमेजिंग लग रही है और कमाल कर दिया आपने थैंक यू ये सब अजीज की बदौलत है आई वाज जस्ट टेलिंग बिकॉज एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दैट यू नोबडी न्यू दैट यू कैन एक्ट बिकॉज यू आर ऑलवेज अ कोरियोग्राफर बट आई सेड नो द टेरेंस आई नो वाज ऑलवेज एन एक्टर फॉर पास्ट 20 इयर्स आई हैव ऑलवेज सीन हिम एज एन एक्टर बिकॉज व्हेन आई मेट हिम फर्स्ट आल्सो ही वाज अ मॉडल एन एक्टर सो आई न्यू दिस वाज गोना बी अ पीस ऑफ केक फॉर हिम सो मैंने जो कुछ भी किया आई लर्न फ्रॉम हिम 20 इयर्स बैक ही वाज डायरेक्टिंग मी और मैं वहीं से सीखकर आई गेव इट बैक टू हिम But it is lovely. I mean, to have a director who believes in you—that's the first thing, you know, as an actor. Because I don't know of any actor-director combination that has given hits that don't have that kind of love and respect and trust for each other. So thank you, Aziz. Thank you, Aziz. And this song is being left. Is there a second costume? Yeah, the dead girl is gonna come back. So we are working on that now. We have to ask Siddharth to make another track for that. Sara, what do you want to add something? Yes, which one? Two Sara standing. Sara. Desi Sara, Desi Sara. Yeah, I just want to say thank you everyone for coming and it was so amazing to see you on screen and to work with Terence and Aziz sir and Siddharth sir and it was just such an amazing experience and I'm really, really excited for what's to come. Yeah, thank you. All the very best to you. Thank you. Thank you. Which one?
बहुत ही उनका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ग्रेट है. सो लेट्स सी इस बार भी कुछ अमेजिंग होगा. सिद्धार्थ जी ने बहुत अच्छा कंपोज किया है और दोनों सिंगर्स ने बहुत अच्छा गाया है.